तो भाई अभी जो है हम सुरकंडा देवी टेम्पल आया है, धनोल्टी के इको पार्क से अराउंड 7-8 किलोमीटर दूर है। सामने आप देख रहे हो ऊपर की साइड, वहाँ ट्रैक करके जाना है। जूम तो इसमें होगा नहीं। फिलहाल जो हमने बाइक पार्क कर दी अपनी बुलेट, और यहाँ पे शॉप पे जो है सामान वामान रख के जाएंगे अपना। तो कितने ऊपर है भैया ट्रैक ये? 1.5 किलोमीटर का है पैदल। वैसे तो ये ऑफ रोड भी है, मतलब कि वैसे भी डायरेक्ट भी चढ़ सकते हैं, और सीढ़ी बन रखी है। सीढ़ी यहीं तक है। अच्छा अच्छा, पहले आ चुका ना वैसे मैं एक बार। ठीक ठीक, तो ये दे दो प्रसाद, दे दो चलो आप, है ना। तो ये है भाई, यहाँ टावर वावर सब आ रहे हैं, फुल टावर लगे हुए ऑलरेडी। कोई नहीं कोई नहीं, लगाओ आप, करो कंटिन्यू। ये है ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये है भाई साइड का व्यू, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो अगर आप धनोल्टी आ रहे हो, ये दो प्लेस जरूर विजिट करना, एक तो इको पार्क और दूसरा जो है सुरकंडा देवी टेम्पल। अभी ऊपर जब जाओगे वहाँ व्यू देखना एक नंबर का मिलेगा। पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक बार, इस बार दोबारा आया था मैं इस भाई को घुमाने के लिए। क्या चीज़? माता का पूरा सिंगार है इसमें, ये भी। कितने का? 100 रुपये का है। ठीक, 101 रुपये। चलो तो ये ले लेंगे सब चीज़ें, नारियल वारियल। तो ये है भाई स्टार्टिंग, यहाँ से घंटा बजा के चलते हैं। ओम, क्या टाइम हो गया? 1:05 हो गया भाई। अभी ट्रैकिंग हमने ऊपर स्टार्ट करी है, तो अभी तो फिलहाल पक्का रास्ता है ये, आ जाए भाग के करते हैं। क्या बन रहा है? अच्छा, रोप का बना रहे हैं। वाह, ये सही है यार, कौन करे था लंबा ट्रैक है, ऐसी लग रहा था वो, दिख रहा ऊपर पास में, बहुत दूर है अभी तो। ट्रॉली वाला बना रहे सिस्टम ही है नहीं। हाँ, थक गए भाई, हवा टाइट हो गई अभी, अभी तक दमी कवर नहीं हुआ। कितने रह गए भाई ऊपर सारे हो? अरे जाने लग रहे हो। अच्छा, आधा भी कवर नहीं हुआ, पूरी हवा टाइट हो गई अभी। चलो जी, कवर करना पड़ेगा, आ जा भाई। कते रुपए के? 400 रुपए की। आना जाना दोनों बस, जाना जाना। ओहो, अच्छा जी। वो देखो भाई, अभी ऊपर जाना है मंदिर, दिख रहा होगा शायद आधा हो गया कवर। और ये आ रहा पीछे रोते मरते मराते बिल्कुल। चलो भाई, एक शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से, ये तो बहुत लंबा देना पहुँचाएगा। सीधा चलते हैं पहाड़ पे ऊपर, आराम से आइए। देखो भाई, वहाँ से आ चुके हैं हम नीचे से, दिख रहा होगा वो। ये देखो भाई व्यू, सांस फूल गई। यहीं से आ जा, बहुत अच्छे शॉर्टकट लिया हमने यहाँ पे। ये आ रहा विशाल पीछे पीछे मेरे, इसे बहुत लंबी लीड दे दी मैंने, बहुत मरा मरा चल रहा है। तो मर गया बिल्कुल ही, जाने खत्म होगी। हैं, खाया पिया कुछ है ना? क्यों भाई, कैसा लगा? मजेदार। देखो भाई, तुम्हारा दोस्त कैसे आप रहा है? बुरा हाल हो गया भाई। इससे पहले हमने 3 ट्रैक और कर लिए मसूरी में, जोजा रेस्ट पे, क्लाउड एंड और एक मालदेव पे। वहां इतनी सफाई नहीं हुई जितनी यहाँ पे हो गई, ट्रैक तो छोटा है ये। हाँ। लेकिन हमारी एनर्जी लेवल वो नहीं रहा, एक तो एनर्जी लेवल वो नहीं रहा, दूसरी चढ़ाई इसकी जो है ना बहुत स्टीप है, तो उस वजह से काफ़ी इंक्लाइंड है। अब ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा रह गया, चलते हैं सीधा। चलो, ये दूसरा शॉर्टकट लिया भाई हमने, वो तो जाके पता चलेगा। व्यू देखो भाई, बच के ये देखो भाई नज़ारा पीछे। यो, चलो थोड़ा सा रह गया अब तो। आराम से पेड़ है,
तेरे पीछे रह गया। हाँ अच्छा नहीं। हाँ देख इसमें कंटे हैं पेड़ में, इसमें आ गया बस। अब तो थोड़ा सा जोर लगा दो। तो भाई यहाँ पे जूते उतारने का बना रखा है, ऊपर मंदिर में जूते नहीं ले जा सकते, यहीं पे जूते उतार के रखना है, कोई चार्ज नहीं है इसका। ये भाई दोबारा आई घंटी बजाने के लिए, दो घंटे हो रहा है, बजा दे। चलो ये है सुरगंडा देवी टेंपल, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बना रखा है व्यू देखने के लिए। हो गया चालू। ये देखो भाई व्यू नीचे, वहाँ से आए हैं हम ट्रैक करते हुए, और एक नंबर नज़ारा आ रहा है ऐसे। वसूले ट्रैकिंग, वसूले ट्रैकिंग बिल्कुल। बादल और बादलों के पीछे जो है सूरज छिप गया। ये रहा टेंपल। चलो भाई नारियल फोड़ो। पानी पीने लाया सारा। अरे यार तूने सारा मजा खराब कर दिया। आपने जोर ज्यादा लगा दिया इसमें। पानी पीने लाया क्या? बचा नहीं इसमें कुछ? जय भाई बंदर, बंदर से बच के रहो, यहाँ सामान छीन सकते हैं तुम्हारा। और यहाँ पे दो छोटे टेंपल हो रहे हैं, ये हनुमान जी का है। ओम जय बजरंग बली। ये शिव जी का है शिवलिंग, और पीछे शिव जी की मूर्ति। चलो भाई मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया, अब थोड़ा आगे जाके वहाँ व्यू लेते हैं। आओ भाई चलो। भाई यहाँ चप्पल जरूरी थी, पैर में चुभेंगे। तो ये है भाई सुरकंडा देवी टेंपल के सामने, थोड़ा सा पैदल चल के आपको ये बहुत अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर प्लेन भी घूम रहे थे, और नारियल खा रहे हम, फुल एनर्जी मिल गई नारियल खा के। व्यू देखो आप, बादलों से ऊपर आ गए हम, कुछ बादल हमारे ऊपर भी है और कुछ नीचे भी है। टॉप है बिल्कुल, ये इससे ऊँची पहाड़ी नहीं है, इससे ऊँची पहाड़ी नहीं है। तो ये है बेस्ट प्लेस इन धनौल्टी। वो देखो कहाँ से आए थे हम, कितने ऊपर आ गए। देखिए ऊपर वाले बादल चल रहे बहुत तेज है नहीं। तो भाई यहाँ पे अभी थोड़ा आराम फरमाते हुए रेस्ट ले रहे हैं। बाकी जो एक वो पॉपुलर कैप्शन है ना कि हार्डेस्ट क्लाइम लीड टू दी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, वही वाली बात है। यहाँ पे जो लोकेशन है वो बिल्कुल वसूल है, जो ट्रैकिंग करी वसूल है वो बिल्कुल। शांति बिल्कुल, पीस। और हम जो है सुरकंडा देवी टेम्पल से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं है। ये भाई टेम्पल के पीछे की लोकेशन है, यहाँ खाने पीने की सुविधा है। और क्या भाई? अच्छा 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 तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगी हुई है, यहाँ खा सकते हो आप मैगी वैगी जो भी। फिलहाल तो हमारा पेट भर रहा है तो हम तो खाएंगे नहीं, बस दिखाने के लिए आया था।
बाकी ये है भाई लोकेशन टेंपल के पीछे की, वो खड़ा विशाल। तो ये था भाई सुरगंडा देवी टेंपल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मसूरी या धनौल्टी आ रहे हो, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप सुरगंडा देवी टेंपल यहाँ ज़रूर आओ, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे शायद सर्दियों में स्नोफॉल भी होती है और ट्रैकिंग जो है वसूल है बिल्कुल, है ना। आगे आपको ट्रैकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे आपको ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो है रोपवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो ट्रॉली वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाकी भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय।